समान है दीवान तुम्हारे, ये दीवान समान है दीवान तुम्हारे, और करे के तेरी रक्षा बेटा जगदीश। रोने धोने से महाराज वापस नहीं आए, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं बेटे, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हारे कोई चीज की कमी आने नहीं दूंगा। ये तो दुनिया संसारी रीत है बेटे, किस धरती के ऊपर जो इंसान आया है एक ना एक दिन वो जरूर जाएगा। महारानी साहिबा, जगदीश को ले जाओ, इसको नहला धुला के इसके कपड़े पड़े चेंज करवा देना। संग्राम सिंह महाराज के मरने का महारानी साहिबा के बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हाँ देवान साहब, ठीक है, मैं जा रहा हूं, हम सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है देवान। शमशेर सिंह, तुमने कुछ सुना? हाँ भैया। और कुछ देखा भी? हाँ देखा भी। महारानी राजकुमार जगदीश को घसीटते हुए बार पकड़कर मारते हुए लेकर गए, और दीवान कह रहा कि महाराज को शेर ने खा डाला। संग्राम भैया, क्योंकि महाराज के साथ ही थे ना। मेरी बात सुनो,
किसी ने महाराज को नहीं मारा है, केवल इन दोनों ने झूठा जाल बनाया है कि महाराज को शेर ने खा गया। अगर शेर महाराज को खा गया, तीन दोनों ने खड़े किया उसी जगह देखते इन दोनों के बीच में रहना और इन दोनों से जरूर मिलते रहना और मेरी बुराई हर वक्त उनके सामने करना। तब जब राज मिल जाए कि इन दोनों ने महाराज को मारा है, उसी बात इन दोनों को खेल दो तो हराम जादू को। यही समझ लो कि आज से मैंने जो वादा किया था ना, तनख्वाह 5,000 पूरी। 5,000 तनख्वाह हो गए? हो गई। लेकिन जाओ तुम देखो जो है कोई घोड़े कहाँ है, दीवान साहब कहाँ है जी, संग्राम सिंह कहाँ है, सब लोगों की खबर तुमको मेरे पास लेकर आना है। बहुत अच्छी बात है महारानी जी। मैं जानता हूं कि महाराज के मरने का आपको बहुत बड़ा गम हुआ होगा, लेकिन गम करने से महाराज वापस तो नहीं आ सकते। रानी साहब तो कहो देखो कि आखिर कहना क्या चाहते हो तुम। जो इंसान चला जाता है इस दुनिया से वो दोबारा वापस नहीं आता है। अरे जब तक जगदीश लड़का है, नादान है ना, और जब तक जगदीश लड़का है Yeah.
दीवान सब गलत हिंदी नादान है, हर बात को नहीं समझता। सर पे ताज बांध कर अपराध करती तू। मैं इसी बात को तो सोचती हूँ कि कहूँ क्या दीवान साहब ने मुझे सजमा जो भारी महारानी। ये तो बात हकीकत है, तुम्हें तो पता है कि जगदीश मेरा सगा लड़का नहीं है, महाराज की पहली रानी की संतान है। सब कुछ समझता है वो कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। अभी नादान है, एक ना एक दिन मुझे इस महल से बाहर कर देगा, मैं कहाँ जाऊँ। हम जानते हैं कि जगदीश सब हर बात को समझने लगेगा ना, तो तुम्हें धक्का मार के इस राजमहल से बाहर निकाले, दर दर की ठोकर खाओगे। मेरे पास एक उपाय है। उपाय? हाँ दीवान साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सा उपाय है। लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज ना हो जाए। दीवान, मैं तुम्हारी बात से किसी बात से नाराज नहीं होने वाली हूँ। तो ठीक है रानी साहब, बताइएगा कि क्या। तो छोटा मुंह है बात ये बहुत बड़ी, छोटा मुंह ये बात है बहुत बड़ी। अर मार तू आज ही रात जगदीश को कर इजाजत, ये दीजे महारानी कर इजाजत, ये दीजे महारानी। जगदीश के शरीर में इतने टुकड़े बना दो ना कि देखने वालों को कलेजा थरथरा उठे। I'm not afraid of the dark.
तो मैं वादा करती हूँ कि एक दिन तुम्हें इस शेरे पंजाब का महाराज बनाऊंगी और मैं तुम्हारी महारानी बनकर ऐसो आराम की जिंदगी गुजारूंगी। मैं वादा करता हूँ कि जगदीश राजकुमार को ऐसी मौत मारूंगा ना कि देखने को कलेजा। हाँ दीवाना, लेकिन रानी साहिबा तुमने वादा किया है कि जगदीश राजकुमार को मार दोगे तो ताज और तख्त के मालिक बनोगे, मालिक हो जाओगे, यहाँ के सम्राट कहलाओगे और मैं तुम्हारी महारानी बनकर रहूंगी। लेकिन रानी साहिबा तुम जानती हो महाराज को शेर ने नहीं खाया, महाराज को हमने मरवाया है। जब महाराज को मार सकता हो उनके बेटे जगदीश को मार सकता हूँ। अगर तुमने कोई होशियारी चलाकी करने की कोशिश किया तो हम तुम्हें भी मार सकता हूँ। ए दीवान, अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे होशियारी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम यहाँ के सम्राट और मैं इस शेरे पंजाब की मालकिन कहलाऊंगी। तो रानी साहिबा मैं श्रीमद जगदीश राजकुमार को तार के तब तुम्हारे सामने अपना मैं चेहरा दिखाऊंगा। मैं यही भी चाहती हूँ जब तक जगदीश को इस दुनिया से मिटाकर नहीं आना अपनी मनहूस सूरत मुझे नहीं दिखाना। नहीं दिखाऊंगा, वादा करता हूँ कि आऊंगा तो जगदीश को मार के आऊंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। मैं वादा किया। वाह दीवान साहब, तुमने क्या सोचा है कि जगदीश को मार के आओगे तो मैं शेरे पंजाब की राजधानी तुम्हारे हवाले कर दूंगी? हरगिज नहीं। अरे मैंने तुम्हें अपनाया है तो सिर्फ अपने काम बनाने के लिए। जिस दिन तुम जगदीश को मिटा दोगे उस दिन मैं तुम्हें ऐसा ठोकर मारूंगी ना कि तुम्हें पानी देने वाला नहीं मिलेगा। अरे मैंने तो दिल से चाहा है तो सिर्फ संग्राम सिंह को, संग्राम सिंह, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी के कहां से ले रही है वो दिल के दवाई। संग्राम, जब से मैंने भरे दरबार में तुमको देखा है मेरा दिलो दिमाग तुम्हारे ऊपर ही गूंजता है। संग्राम सिंह मिलकर गए और आज तक वह नहीं पत्नी और है कहां पर, क्या तक कोई खबर तक नहीं बताए।
जरूर करूंगी। कर जहिया से चल गए अचरी के कमरे